महाराज से नम्र विनती है कि कृपया इस स्वर्ण के हार को अपने गले में पहन कर रखें, ताकि वस्त्र बदलने के पश्चात हमें ज्ञात रहे कि कौन से महाराज यहाँ पहले से विराजमान थे और कौन से तत्पश्चात पधारे, कौन से महाराज की कहानी का दृष्टिकोण कौन सा है। अनुरोध है कि समस्या का निर्णय होने तक कृपया इसे अपने गले से उतारे ना। अब महाराज चाहे तो अतिथि गृह की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। मंत्रीवर, दोनों अतिथि गृह क्यों निकले? चलिए चलकर देखते हैं कि इनमें से अतिथि गृह का सही मार्ग किसे पता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण, चलिए चलिए। पंडित रामकृष्ण, प्रश्न कौन बताएगा? अरे आप रहने दीजिए गुरुवर, अवसर हाथ से निकल जाएगा, रहने दीजिए। अरे इन दोनों में से जिसे भी अतिथि गृह का रास्ता नहीं पता होगा नकली महाराज वही होना चाहिए। दोनों इतने आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब आगे नहीं बढ़ रहे, आगे चलने वाले महाराज के चलने की गति धीमी हो रही है। हाँ वो किस लिए? ताकि पीछे चलने वाले महाराज उनसे आगे निकल जाए और आगे जो दाएं बाएं वाला मोड़ आ रहा है उन्हें पता चल सके कि मुड़ना कहाँ है, दाएं या बाएं। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो आगे वाला है वो नकली? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है मंत्रीवर। आइए देखते हैं। चलिए पंडित रामकृष्ण, आगे फिर एक बार दाएं बाएं वाला मोड़ आ रहा है। यदि इस बार बिना हार वाले ने फिर से दूसरे वाले को आगे निकलने दिया तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि यही बहरूपिया है और उसके बाद हम उसे बंदी बना कर नहीं बना सकते मंत्रीराज। क्यों? वो देखिए अब हार वाले महाराज की गति धीमी हो रही है। आगे, आगे, आगे। कैसे दो व्यक्तियों के चेहरे मेरे शाश्वत मेल खा सकते हैं? कैसे दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता गुरुजी? जब दो गधों की शक्लें एक जैसी हो सकती हैं, तो दो व्यक्तियों की शक्लें एक जैसी क्यों नहीं हो सकती? जी गुरुजी। तुम्हारी और धनी की तो एक जैसी नहीं है गुरुजी, ये तो अपमान हुआ ना गधों का ना गुरुजी। तथू जी, ये सब छोड़िए ना, ये सोचिए कि कल दरबार में दो एक जैसे दिखने वाले महाराजाओं से आप क्या प्रश्न पूछेंगे। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या पूछें। एक झटके में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और पूरे विजयनगर में तुम्हारी बुद्धिमता और विलक्षण सूझबूझ का डंका बच जाए। सुनिए ना, हमें एक विचार आया है। हाँ? अच्छी बात है, बताइए क्या विचार आया है। कि ये नहीं हो सकता कि महाराज का कोई जुड़वा भाई हो और वो मेले में कहीं खो गया हो और अब वापस आ गया हो। बड़ा बकवास विचार है, बड़ा महान विचार है। बुढ़ा भी ना क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। कुछ नहीं गुरुजी। हो नहीं सकता था, नहीं होने को हो भी सकता था, परंतु वो क्या है ना प्रिय, कि राजाओं महाराजों के जो बच्चे हैं उस तरह खो नहीं जाया कर। हाँ। संभव ही नहीं। और हम तो महाराज के वंश से बली भांति परिचित, उनको तो पुरखों के पुरखों के पुरखों में भी कभी जुड़वा बालक पैदा नहीं हुए। हाँ। तथू,
हमें एक और उपाय सूझा है। रहने दीजिए प्रिय, क्यों कष्ट दे रही है अपने खाली मस्तिष्क को, कोमल मस्तिष्क को? क्या विचार आया है बताइए, हम सुन रहे हैं। हाँ, क्यों ना महाराज के माता पिता को यहीं बुला लिया जाए, वो तो अपने पुत्र को पहचानने में धोखा नहीं खाएंगे ना। हाँ। सौदामिनी, उनके माता पिता का देहांत वर्षों पूर्व हो चुका है, ऐसा कैसे संभव है कि? तो कल क्या करेंगे दरबार में, कैसे करेंगे समस्या का समाधान? आप ही को तो कुछ करना होगा ना तत्थू। हो गया, समझिए, हो गया इस संपूर्ण समस्या का निदान। सूझ गया है हमें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो कदापि खाली नहीं जाने वाला। इस नकली सम्राट का अध्याय कल समाप्ति समझिए, परंतु उससे पहले पूछने दीजिए प्रश्न इस महामंत्री को और उस पंडित रामाकृष्णा को, वो भी तो कुछ सोच कराने वाला है। और जब उनके तर्कश के समस्त तीर व्यर्थ हो जाएंगे, तब हम निकालेंगे अपना ब्रह्मास्त्र और प्रमाणित करेंगे विजयनगर दरबार में केवल और केवल एक ही मुखिया है, वो है हम राज पुरोहित तथा चार्य। सोचो, जरा सोचो, यदि राज सिंहासन पर महाराज का वो हमशक्ल ठग बैठ गया तो क्या होगा? अरे पूरे राज्य को नोच कर खा जाएगा वो शैतान। अली लामा, तो पता लगा ना कि कितकी ताल है? वही तो गुंडप्पे, कैसे पता लगाए कि उन दोनों में से चाल चल कौन रहा है और कौन चाल का शिकार हो रहा है? दोनों चलते भी एक जैसे हैं, तो ये पता लगाना मुश्किल है कि किसका चाल चलन कैसा है। मुझे दोनों महाराजाओं को देखना है। क्यों, तुझे क्यों देखना है, मेला लगा है यहाँ पे, चल हट। अले मुझे ले चल, मैं यूं पता लगा लूंगा कि कौन सा असली और कौन सा नकली। तो बोलो, ये पता लगाएंगे, जाता है क्या? अब इनको क्या हुआ? कह रही है दोनों राजाओं को छे माह राज गद्दी पर बैठा कर देख लो, पता चल जाएगा कौन सही है और कौन गलत। क्या उपाय दिया है अम्मा, वो राज सिंहासन है, कोई साधारण पद नहीं है कि 6 माह तक परीक्षण हुआ और उसके बाद नियुक्ति पक्की, ऐसा भी कहीं होता है क्या भला? ये सही है, पहले एक महाराज थे तो एक समस्या लेकर आते थे, अब दो दो महाराज हैं तो क्या दो दो समस्या लेकर आएंगे? कहीं से दो चार राजा और निकल आए तो क्या समस्या सुलझाते रहेंगे? हम तो कहते हैं उठा लो। क्या उठा लो? अपने अधिकार की आवाज उठा और सभी से साफ साफ कह दो जितने राजा उतना वेतन। अब दो दो राजा है तो वेतन भी दोगुना होना चाहिए ना। कैसी गृहिणियों जैसी बातें कर रही हो शारदा। गृहिणी जैसी? परंतु हम तो गृहिणी है ना। हाँ ये भी ठीक है, हो ही गृहिणी, परंतु ये केवल तुम्हारी और मेरी समस्या नहीं है, ये संपूर्ण विजयनगर राज्य की समस्या है जो सुलझनी ही चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अले तो कैसे छूल देगी समस्या? वही तो नहीं पता, ये सब कुछ कल की प्रश्न परीक्षा पर ही निर्भर करता है। भगवान करे मंत्रीवर और आचार्य महाराज से ऐसे प्रश्न पूछे जिनके बारे में केवल महाराज को ही। एक प्रश्न है एक प्रश्न जिसके बारे में केवल महाराज को ही पता है। हाँ, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, जोर निकल कर भागा। महारानी तिरुमलम्बा, ये क्या कर रही हैं आप? हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे असली महाराज कौन है। ऐसे? हाँ, हम तो ऐसे ही पता लगाते थे बचपन में जब हमें किसी को ढूंढना होता था। महारानी तिरुमलम्बा, वो बचपन की बात थी, अभी महाराज बड़े हो गए। अयो, हम तो भूल ही गए, आप यही रुके, हम अभी बड़े पुतले लेकर आते। हाँ। महारानी तिरुमलम्बा, आपको आभास भी है कि कितनी बड़ी समस्या आन पड़ी है हम सब पर। यहाँ हम इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि आगे क्या होगा, और आप है कि आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। एक ही चेहरे के दो दो महाराज विचर रहे हैं इस महल में, आपके और हमारे एक ही जैसे दिखने वाले दो दो सुहाग। इस बात का महत्व भी पता है आपको, क्या होगा यदि ये समस्या नहीं सुलझी तो? हाँ, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं,
ये तो सच में बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि एक महाराज जिन्हें हम असली समझकर अपने बनाए व्यंजन खिला दिए, तो दूसरे महाराज जो कि वो भी असली हो सकते हैं, वो तो हमारे बनाए व्यंजन खाने से वंचित रह जाएंगे। कितना बुरा लगेगा उन्हें। आपके हाथ के बनाए व्यंजन खाकर जीवित बचेंगे तो बुरा लगेगा ना। आप कहना क्या चाहती है, हम इतने बुरे व्यंजन बनाते हैं? महारानी तिरुमलम्बा, ये सब छोड़िए और कुछ सोचिए समस्या के बारे में। नमन बड़ी महारानी, आपको भी हमारा नमन छोटी महारानी। आपने स्मरण किया हमें? जी महामंत्री जी, असली महाराज के संदर्भ में कोई सूत्र हाथ लगा? प्रयास जारी है महारानी चिन्ना देवी, परंतु सच कहें तो अभी कुछ भी कहना कठिन है। वास्तव में स्थिति अत्यंत ही गंभीर है। चेहरे मिलते हुए तो हमने कई बार देखे, पर इतनी समानता, सच पूछिए। ईश्वर का इतना बड़ा चमत्कार हमने आज तक नहीं देखा। वही चेहरा मोहरा, वही व्यक्तित्व, वही शारीरिक भाषा, वही तेवर, दोनों में लेश भर भी अंतर नहीं। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? उन्हें अपने हाथ का बनाया हुआ व्यंजन खिला सकते हैं? क्षमा कीजिए महारानी, किंतु ये संभव नहीं। हाँ, यदि आप दोनों को महाराज को किसी खिड़की या झरोके से देखना हो तो संभव है। और कब तक प्रतीक्षा करनी होगी हमें? अधिक समय नहीं महारानी, कल इसका निर्णय हो जाएगा कि दोनों हम शक्लों में से हमारे वास्तविक महाराज कौन है। आप दोनों में से जो भी हमारे वास्तविक महाराज हैं, यदि उनकी अनुमति हो तो क्या हम इस प्रश्न परीक्षा का आरंभ कर सकते हैं? अनुमति है। धन्यवाद धन्यवाद। अब वैसे तो इस राज्य का राजगुरु होने के नाते प्रश्न परीक्षा का दायित्व हमें सौंपा गया था, परंतु हमारे विचार से उचित होगा यदि महामंत्री तिमारा सिंह महोदय अपने प्रश्नों से इस प्रश्न परीक्षा का आरंभ कर ले। बहुत संभव है कि आपके प्रश्नों के पश्चात हमें प्रश्न करने की आवश्यकता ही न पड़े और समस्या का हल निकल आए। महामंत्री महोदय, आप प्रारंभ कीजिए, पूछिए, प्रश्न पूछिए। धन्यवाद गुरुदेव। महाराज, हम हमारे पड़ोसी राज्य से युद्ध में हमेशा हारते थे। दोनों राज्यों के बीच की नदी को पार करके हमारी सेना वहां जाती थी और पराजित होकर फिर से लौट आती थी। तब हमारे महाराज ने ऐसा कौन सा आदेश दिया कि हम युद्ध जीत गए? हमारा आदेश था कि जिन सैन्य नाव, तख्त और जहाजों पर सवार होकर हमारी सेना इस तट से उस तट तक पहुंची थी, उसे वहां पहुंचते ही जला दिए जाए। कारण? वो युद्ध तो जीतना ही था हमारी सेना को, क्योंकि वापस आने का विकल्प हमने छोड़ा ही नहीं था उनके लिए। वैसे हमारे सेनापति हमारी इस बात से आश्वस्त नहीं थे, परंतु उन्होंने हमारा आदेश का पालन किया और हमारी सेना विजयी हुई। पिछले गणेश महोत्सव में क्या हुआ था? हमारा खानदानी बहुमूल्य रत्न चंद्रमणि चुराया गया था। कैसे? पंडित रावण से त्रुटि हुई थी। हमारा अगला प्रश्न। हमारे सेना विभाग के अस्तबल में एक विशेष घोड़ा है जिसका नाम कुछ और है और काम कुछ और। हमारे महाराज उस घोड़े से विशेष स्नेह करते हैं। क्या महाराज हमें उस घोड़े का नाम बता सकते हैं? अभय। गलत। उस घोड़े का नाम है प्रकाशम। नाम प्रकाशम है, परंतु वो केवल रात्रि युद्ध लड़ सकता है, क्योंकि उसे केवल रात्रि में दिखाई देता है, और हम स्नेह से उसे अंधकारम भी बुलाते हैं। अंधकारम, प्रकाशम, अद्भुत घोड़ा है। पिछले युद्ध में अपने पैरों पे 16 घातक तीर लगने के पश्चात भी वो दौड़ता रहा और वो हमें अपने खेमे तक सकुशल ले आया। हमसे अधिक भला कौन जानता होगा प्रकाशम को। हम तो ये देखना चाहते थे कि ये बहुरूपिया प्रकाशम के बारे में कितना जानता है। और ये अभय कौन है? हमारे दक्षिणी पूर्व की सैन्य टुकड़ी का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रशिक्षित हाथी अभय। हमारे उत्तरी पूर्व सैन्य दल का सबसे दक्ष योद्धा
तब से आक्रामक ऊंट विद्युत जयशिनम जंगलों में हमारे 250 सशस्त्र खेमे हैं। विजयनगर राज्य में कुल मिलाकर 165 गांव हैं, जिसकी आबादी है 2,90,000। 120 कस्बे हैं, 90 नगर हैं, और इन दोनों की कुल मिलाकर आबादी है 2,50,000। सत्य सत्य सत्य। का इकबाल बुलंद हो। आप सभी हमारी फौज के आला नुमाइंदे हैं। आप सभी का यहां मौजूद होना इस बात का सबूत है कि मुद्दा कितना अहम है। अल्लाह, हालिया वाकयात के रूह में कुछ बेहद दिलचस्प वजूहत नुमाए हो गए हैं, जिनका हमें फायदा हो सकता है। इतनी खुशी अपने तक रोके रखना हमारी बर्दाश्त के बाहर। अल्लाह। इसीलिए आप सभी हाजरीन को इतनी रात गए यहाँ बुलाना हुआ। मालूम हुआ कि हमारे पड़ोसी मुल्क विजयनगर में दो बादशाह नुमाए हो गए, दो दो महाराज कृष्णदेव राय। हुजूर एकदम सही फरमा रहे हैं, अब दो दो बादशाह यानी एक ही शक्ल सूरत के दो दो कृष्णदेव महाराज, और दोनों यही दावा करते हैं कि वो ही विजयनगर राज्य के असल बादशाह हैं। अब पूरा विजयनगर राज्य इस हम शक्ल के जंजाल में ऐसे उलझा हुआ है कि वो ये फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें कौन असली है और कौन नकली। बर्दाश्त के बाहर है ये खुशी बाबा, बर्दाश्त के बाहर। बहुत ही अहम तरीन मौका है हमारे लिए बनने का। जी हुजूर। जिसका हमने वक्त रहते सही फायदा उठाया, तो विजयनगर पर हमारे मुल्क का फतेह का परचम लहरा सकता है। अल्लाह। बहुत आसानी से हम विजयनगर पर काबिज हो सकते हैं, उसे अपना गुलाम बना सकते हैं, पर हम सुल्तान शमशुद्दीन विजयनगर के बादशाह बन सकते हैं। आमीन आमीन। इसीलिए विजयनगर पर हमला करने की तैयारियां शुरू की जाए। सही वक्त पर विजयनगर पर हमला किया जाएगा। विजयनगर पर हमारी हुकूमत होगी। ऐसा पुरसकून एहसास महसूस हो रहा है अंदर इस ख्याल से कि विजयनगर में हमें और सजा देने को मिलेगी। अल्लाह, हुजूर, ये तो सरासर गद्दारी है। विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय आपके दोस्त हैं और उनका आप पर बहुत अकीदा है। क्या आप अपने दोस्त को दगा देंगे? जंग है बाबा, जंग। अब जंग में कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। और फिर हमने आप ही से तो सीखा है कि कीमत मौके की नहीं, उसका फायदा उठाने वाले की होती है। अब आप ही की सीख पर तो हम अमल कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब हुजूर, ऐसा बेहतरीन मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा बाबा। बन्ने खान। जी हुजूर। हमले की तैयारियां शुरू की जाए। जो हुक्म बादशाह सलामत। चलिए। अर्ज चुकाने का वक्त आ गया है।